बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज़ किंगडम प्रोटेस्टा। मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि किंगडम प्रोटेस्टा में बेसिकली वो मेंबर्स आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ना प्रॉपरली एनिमल्स होते हैं, ना वो कम्प्लीटली प्लांट्स होते हैं, ना वो कम्प्लीटली फंगस होते हैं। मतलब कि इस किंगडम में प्लेस होने वाले मेंबर जो हैं वो एनिमल लाइक होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं और फंगल लाइक होते हैं, मतलब मिलते जुलते होते हैं लेकिन कम्प्लीटली वैसा स्ट्रक्चर या वैसे करेक्टरिस्टिक्स नहीं रखते, जिसकी वजह से हमने एक किंगडम बनाया जिसमें इस तरह के सिमिलैरिटी वाले जो मेंबर्स थे जो कि बिहेव करते थे लाइक एनिमल्स और बिहेव करते थे लाइक प्लांट्स और फंगल, तो हमने उनको एक किंगडम में प्लेस कर दिया। अच्छा, जिस किंगडम को हमने किंगडम प्रोटिस्टा बोला। अब इस किंगडम्स में भी साइंटिस्ट ने क्या किया, डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए ताकि हम इस किंगडम को भी हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए। वो डिफरेंट ग्रुप्स, तीन ग्रुप्स थे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर के भी तीन मेन पोर्शन, जो आप कह सकते हैं तीन मेन इसके टॉपिक्स हैं। पहला जो पोर्शन था जो हमने यहाँ तक कम्प्लीट किया वो था प्रोटोजोआ, जिसको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। आज से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम इसका सेकंड मेन टॉपिक या इस चैप्टर का सेकंड मेन पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होगा एलजी लाइक प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। मतलब एलजी जो है वो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट हैं, जिसको हम आज और ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर वीडियो में हम इनके कुछ जनरल करेक्टर्स डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड आने वाली वीडियोज़ में हम इनकी क्लासिफिकेशन को डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम थर्ड पोर्शन इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे और फिर वहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा कि सेकंड पोर्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में कैसी कैसी चीज़ें हमने डिटेल से तैयार करनी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें, एलजी आज हमने डिस्कस करनी है। आप जो है वो तस्वीर अपने माइंड में ये स्केच ड्रॉ कर लें कि एलजी जो है वो ऐसी नज़र आती है। हम ऐसी नज़र आने वाली मेंबर्स या स्पीशी, आप कह सकते हैं ऐसी नज़र आने वाले स्ट्रक्चर को एलजी बोलते हैं। वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की लेक्चर वीडियो में। स्केच बनाने का मकसद माइंड में ये होता है कि आपको तस्वीर में माइंड में आ जाएगी। इमेजिनेशन वाली चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म रहती हैं, आप लॉन्ग टर्म या लंबे अरसे तक आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। चलो जी, हम इन को डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब हम एलजी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एलजी जो है वो प्लांट लाइक है। प्लांट लाइक का मतलब प्लांट से मिलते जुलते होंगे, मतलब ये ऐसे ही आप कह सकते हैं एलजी ऐसे मेंबर्स हैं, इनमें ऐसे मेंबर्स आ जाते हैं जो कि बिहेव करते हैं प्लांट लाइक, मतलब इनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी प्लांट से। अच्छा जी, प्लांट लाइक का मतलब है कि प्रॉपरली प्लांट्स नहीं, तो कुछ जाहिर है इनमें डिसिमिलैरिटीज भी होंगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सिमिलैरिटीज की बात करें तो जो एलजी है वो मिलते जुलते हैं प्लांट से। क्यों मिलते जुलते हैं? वो इसलिए मिलते जुलते हैं क्योंकि एलजी भी फोटोसिंथेसिस करती है, और आप बात करें तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज की जो एलजी है फोटोसिंथेसिस कर रही होती है वो एलजी कर रही होती है। मतलब कि ज़मीन पे जितनी 100% में से 50-60% जो है वो कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस एलजी करवा रही होती है। ठीक है, उसके बाद मिलते जुलते ये हैं कि एलजी में भी सेल वॉल मौजूद होती है, एलजी में भी सेल वॉल मौजूद होती है और प्लांट्स में भी आपको पता है सेल वॉल मौजूद होती है, तो ये इनकी कुछ सिमिलैरिटीज आ गई। अच्छा जी, अब हमने कहा कि प्लांट लाइक है, प्रॉपरली प्लांट्स नहीं है, इसका मतलब इनमें कुछ ऐसी डिसिमिलैरिटीज भी होंगी जो कि इनको डिफरेंट बनाएंगी फ्रॉम प्लांट्स। अब डिफरेंसेस क्या हैं? वो डिफरेंसेस ये हैं कि अगर हम इनके सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो जो एलजी का सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर होता है, जिसके बरक्स अगर हम प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो मल्टीसेलुलर होता है। उसके साथ साथ मैं आपको इसका सेकंड डिफरेंस बताने जा रही हूँ, वो ये कि अगर हम एलजी की बात करें तो एलजी में जाइगोट की प्रोडक्शन नहीं होती, मतलब एलजी जो है वो जाइगोट को प्रोड्यूस करता है और वहाँ वो छोड़ देता है, अपनी बॉडी से स्क्रीट आउट कर देता है, मतलब कि वो अपनी बॉडी के अंदर जाइगोट की प्रोटेक्शन नहीं करते। जिसके बरक्स अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के जो पेरेंटल टिश्यूज़ होते हैं वहाँ वो जाइगोट की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें यहाँ बताना ज़रूरी थी क्योंकि आप समझ जाएं कि जो एलजी है वो बिहेव करती है प्लांट लाइक, या कह सकते हैं ये प्लांट लाइक होती है, प्लांट की तरह का बिहेव करती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं प्लांट्स की, लेकिन ये एनिमल लाइक भी है, या कह सकते हैं कुछ डिफरेंट होते हैं प्लांट्स से, और वो डिफरेंसेस भी मैंने आपको बता दी। यही वजह है कि हमने एलजी को प्लांट्स वाले किंगडम में भी नहीं प्लेस किया और एनिमल वाले किंगडम में भी नहीं प्लेस किया, इसको हमने एक डिफरेंट किंगडम में प्लेस किया जिसको हम किंगडम प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्लियर है? चलो जी, यहाँ तक तो इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा कि एलजी होती क्या है, मैंने आपको इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ या फिर डिफरेंसेस बता दिए। यहाँ से ऑनवर्ड हम इनके अब करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एलजी होती क्या है। एलजी की बात करें तो एलजी को सिंगुलर हम एल्गा बोलते हैं, और लेकिन प्लूरल
फॉर्म में हम इसको एल्जी बोलते हैं। एल्जी की बात करें तो इसको हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स बोलते हैं। क्यों फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स बोलते हैं, नाम से अंदाजा होगा कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बता दिया कि जमीन पे होने वाली 100% में से 60% मैक्सिमम 60% मतलब 50-60% जो फोटोसिंथेसिस करवा रही होती है वो एल्जी करवा रहे होते हैं, रिमेनिंग जो है वो प्लांट्स करवा रहे होते हैं। क्लियर? तो बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है कि रेस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो रेस्ट परसेंटेज रह जाती है वो प्लांट्स करते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो आपको ये तो हर बच्चे को पता होगा कि जो एल्जी है वो वेट कंडीशन में ग्रो करती है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ नमी होती है वहाँ एल्जी ग्रो कर रही होती है। ठीक है, यही वजह है कि अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो इनका हैबिटेट इक्वेटिक होता है, मतलब ये पानी वाली जगह पे ये प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ये वहाँ जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये वहाँ ये अपेयरेंस शो करते हैं। अच्छा, इक्वेटिक में भी स्पेशली किन किन एरियाज में वो हम इधर मैंशन भी है वो मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो ये डैम्प पोजिशन में, डैम्प पोजीशन होती है कि बहुत ज़्यादा नीचे गहरी जो निशेबी इलाके होते हैं ये वहाँ मौजूद होते हैं, और वेट एनवायरनमेंट गीले एनवायरनमेंट में मतलब मॉइस्ट कंडीशन में या मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट भी कौन कौन सा एनवायरनमेंट है, वो ओशन हो गए, समुंदर हो गए, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, नदी नाले हो गए, या आपको पता है कि दरिया तालाब वगैरह, हॉट स्प्रिंग्स, पोलर आइस, मॉइस्ट सोइल, ये जो नमी वाली ज़मीन होती है वहाँ भी अक्सर ये आपको एल्जी जो है वो नज़र आई होती है लगी। या आप देखेंगे जहाँ पानी गिर रहा होता है ना, आपने नोट किया होगा, जहाँ पानी गिरा होगा वो चाहे टैब के करीब हो या किसी जगह जहाँ पानी जो है वो गिर रहा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि लीकेज होती है कहीं अगर पानी की, तो वहाँ आपको इस किस्म के जो है वो स्पीशी नज़र आने की चांसेस हैं कि आपने यहाँ ग्रीन कलर का फिर आप वहाँ एक कुछ चीज़ नज़र आ रही होती है, अपेरेंस आपको नज़र आ रही होती है, उस ग्रीन अपेरेंस को हम एल्जी बोलते हैं जो कि मॉइस्ट सोइल या मॉइस्ट एनवायरनमेंट में देखी जाती है। अब वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट ट्रीज़ का भी हो सकता है और रॉक्स, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ये ज़मीन पे ही ग्रो करती हैं मॉइस्ट कंडीशन में, नहीं ऐसा नहीं है। ये दरख्त अगर गीले हैं मॉइस्ट ट्रीज़ में भी होती हैं, और रॉक्स अगर चट्टानें गीली होती हैं तो ये वहाँ भी अपनी अपेरेंस शो करते हैं। चलो जी, हमने इनके हैबिटेट की बात कर ली। जनरल करेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको इनके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होने का भी मैम बता दिया कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, और इनकी मैंने परसेंटेज भी बता दी। नेक्स्ट हम इनका कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रिमार्केबल रेंज ऑफ ग्रोथ फॉर्म, इनकी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वैरायटी होती है अपेरेंस वाइज। इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। क्या रिमार्केबल रेट ऑफ ग्रोथ है, वो ये कि कुछ जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ एल्जी जो है वो मल्टीसेलुलर भी होती हैं, और कुछ जो एल्जी हैं वो फिलामेंटस भी होती हैं। अब यहाँ तो हमने जस्ट जनरल करेक्टर्स डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑनवर्ड जब मैं आपको इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बाकायदा उनकी एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि ये यूनिसेलुलर एलजी हैं और ये जो है वो मल्टीसेलुलर एलजी हैं, और ये इस किस्म की जो एलजी है हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे वो फिलामेंटस होती है। ओवरऑल आप जनरल करेक्टर्स की बात करें तो हमने कहा कि काफ़ी सारी इनमें, अगर इन अपेरेंस की बात करें तो अपेरेंस वाइज इनकी काफ़ी सारी वेराइटी होती है, कुछ यूनिसेलुलर, कुछ मल्टीसेलुलर और कुछ फिलामेंटस होती हैं। अब फिलामेंटस कहते हैं कि एलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, मतलब इनकी ऐसी अपेयरेंस है जो कि एलोंगेटेड स्ट्रक्चर रखती है। अब फिलामेंटस में भी यहाँ एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है वो आप देख लें। कहते हैं कि फिलामेंटस में भी दो किस्म के फिलामेंट्स होते हैं, एक को हम सेप्टेट फिलामेंट बोलते हैं और दूसरे को हम एसेप्टेट फिलामेंट बोलते हैं। अगर हम एसेप्टेट फिलामेंट की बात करें तो उसको हम कोइनोसाइट्स भी बोलते हैं। कोइनोसाइट्स और डिस्टिंक्ट सेल्स में क्या फ़र्क है ये देख लें। अच्छा, कुछ फिलामेंट्स जो है ना वो ऐसे, मैं कोशिश करती हूँ ड्रॉ करने की, आपको पता है कि माउस के साथ मुश्किल होती है। अच्छा, कुछ जो है वो ऐसे होते हैं कि एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, उसी एलोंगेटेड सेल्स वाले फॉर्म को या शक्ल को तो हम फिलामेंट कहते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं कि जिसमें डिस्टिंक्ट सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे अपेरेंस होता है फिलामेंट्स का जिसमें डिस्टिंक्ट सेल्स होते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इस तरह के डिस्टिंक्ट, लेकिन उसके बरक्स अगर हम कोइनोसाइट्स की बात करें तो वो ऐसे एलोंगेटेड फिलामेंटस सेल्स होते हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस या फिर डिफरेंस नहीं होता सेल्स के दरमियान की, जो बाउंड्रीज है वो नहीं होती, जिसके बरक्स हम कह सकते हैं कि जो कोइनोसाइट्स हैं वो फिलामेंट्स की ऐसी टाइप्स हैं जिसमें इनकी सेंटर बाउंड्री नहीं होती जो कि सेपरेट करती है एक सेल को दूसरे सेल से, जिसके बरक्स हमने कहा कि जो डिस्टिंक्ट सेल्स हैं उनमें सेपरेट बाउंड्रीज होती है। क्लियर है? मतलब इस किस्म की फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर को हम डिस्टिंक्ट सेल बोलते हैं, जिसमें सेंटर बाउंड्री नहीं होती जो कि एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, उसको हम कोइनोसाइट्स या फिर हम कहते हैं कि एसेप्टेट फिलामेंट्स बोलते हैं।
है, मतलब कि आप देखिए कोई ना साइड्स में उन्होंने आगे लिख दिया कि मल्टी न्यूक्लियेट होता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें काफी सारे सेल्स होते हैं, एक सेल नहीं होता, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उस मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर में सेंटर में क्रॉस वॉल्स नहीं होती, ठीक है। ऐसे अपेयरेंस को, ऐसे फिलामेंट्स के अपेयरेंस को कोइनोसाइट्स बोलते हैं, और जिनमें सेंटर वॉल या क्रॉस वॉल मौजूद होती है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर वाले फिलामेंट्स में, उसको हम डिस्टिंक्ट सेल या फिर सेप्टेट फिलामेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया, मतलब कि हमने एलजी के स्ट्रक्चर में भी फिलामेंट्स को डिस्कस किया, और फिलामेंट्स में भी वेरायटी थी, वो वेरायटी भी हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, सीवर्ड्स जो भी समुद्री, आपको पता है जड़ी बूटियां जिनको हम बोलते हैं, उनमें वो कहते हैं कि कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर होती हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा ना कि कुछ इनके मेंबर्स यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फिलामेंटस होते हैं, और कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और वो मल्टी सेलुलर मेंबर्स कौन से होते हैं? वो सी वर्ड जिनको हम जड़ी बूटियां बोलते हैं, समुद्र के ऊपर या समुद्र के अंदर जो है वो ग्रो की होती है, उनको हम आप कह सकते हैं मल्टी सेलुलर बोलते हैं। अब कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा उलझी हुई फॉर्म में होती हैं, बहुत ज्यादा पचीदा फॉर्म में ऐसी सी वर्ड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये इनकी अपेयरेंस की एक किस्म है। क्लियर है। अच्छा जी, अरेंजमेंट इनकी लीव लाइक होती है, मतलब कि प्रॉपर इनकी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि बॉडी के फॉर्म होता है, मतलब जो आप कह सकते हैं एल्जी बॉडी होती है ना, एल्गल बॉडी, उसको हम थैलस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? थैलस। अब हमें यहाँ ये डिस्कस करना है कि थैलस क्या होता है और सिंपल बॉडी क्या होता है। प्लांट बॉडी को तो हम बॉडी बोलेंगे, लेकिन आप एलजी जो है ना, एलजी की बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। क्यों थैलस बोलते हैं और थैलस होता क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। अब वो ये कि थैलस ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कह सकते हैं जिसमें रूट्स भी मौजूद होती हैं, लीव्स भी मौजूद होते हैं, और उनके स्ट्रक्चर में स्टम्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली रूट्स वाला, ये प्रॉपरली लीव्स वाला, ये प्रॉपरली स्टेम वाला स्ट्रक्चर नहीं रखते, ठीक है। बॉडी ऑफ एल्जी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू, डिफरेंशिएटेड इनटू मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम बॉडी ऑफ एल्जी बोलते हैं, जिनको हम थैलस बोलते हैं। अब आसान लफ्ज़ों में ऐसा है कि जब एल्जी की बात करें, अगर हम एल्जी की स्ट्रक्चर की बात करें, तो एल्जी की स्ट्रक्चर में हमें रूट्स भी नज़र आ रही होती हैं, उनमें लीव्स भी नज़र आ रहे होते हैं, उनके स्टेम भी नज़र आ रहे होते हैं। अब ये तो आप कह सकते हैं अपेयरेंस वाइज प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर हमने स्टार्ट में कह दिया था कि ये प्लांट लाइक है, इसका मतलब ये प्रॉपरली इनका जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट्स की तरह का नहीं होता। यही वजह है कि हमने कहा कि ये प्रॉपरली रूट्स नहीं है, प्रॉपरली लीव्स का स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता थैलस के, और इनके थैलस में प्रॉपरली स्टेम का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके रूट्स, लीव्स और स्टेम के स्ट्रक्चर में जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता। जब इन तीनों स्ट्रक्चर में जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता, यही वजह है कि हम इनको कहते हैं कि कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनको रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। स्ट्रक्चर वाइज हमें दिखने में तो वैसे ही स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी एनाटॉमी की बात करें, इन स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी की बात करें, तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें जाइलम और फ्लोएम नजर नहीं आता। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता, लेकिन अपेरेंस वाइज वो रूट्स, लीव्स और स्टेम या कह सकते हैं प्लांट्स की तरह ही होते हैं, ये प्लांट्स से मिलते जुलते होते हैं, उनको हम एल्जी बोलते हैं, और उनकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। क्लियर हो गया थैलस क्या होता है? आई होप आपको ये स्लाइड भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ से जो है वो आज की लेक्चर वीडियो की लास्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं, और उनमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो एल्जी है वो अर्थ में मौजूद होने के बाद अर्थ का 50-60% जो फोटोसिंथेटिक रेट है ना, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि एल्जी फोटोसिंथेसिस करती है। अब अगर एल्जी फोटोसिंथेसिस करती है, तो इसका मतलब कि प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और एल्जी भी फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन ये जरा हमने कहा कि परसेंटेज में थोड़ी ज़्यादा एल्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। अच्छा, एल्जी फोटोसिंथेसिस कर रही है, इसका मतलब कि इनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी जो कि इनको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प आउट करती हैं। अब वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, उनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें बेटा, तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। अब अगर हम एलजी की बात करें, तो एलजी में क्रोलोफिल भी मौजूद होता है, और क्रोलोफिल में भी फिर आगे वैरायटी मौजूद होती है। कहने का मतलब कि एलजी में कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स का एक करेक्टर भी है। वो ये कि एलजी के स्ट्रक्चर में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, उनमें एक तो ग्रीन क्लोरोफिल है, क्लियर है, एक तो ग्रीन क्लोरोफिल है, उसके बाद येलो है,
ऑरेंज है। अब येलो ऑरेंज और आप कह सकते हैं कि जो येलो ऑरेंज ये कैरोटोनाइड्स मौजूद होते हैं, ग्रीन क्लोरोफिल और उसके अलावा येलो ऑरेंज कैरोटोनाइड मौजूद होते हैं जो कि आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और वो एल्जी के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब कह सकते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया मोस्टली जो है ना वो क्लोरोफिल ए कॉमन है हर मेंबर में, एल्जी के जितने मेंबर्स हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे उनमें क्लोरोफिल ए मौजूद है, लेकिन कुछ में जो है वो कैरोटोनाइड्स की आप कह सकते हैं वैरायटी मौजूद होती है, कुछ में कुछ पिगमेंट्स डिफरेंट होते हैं, वो हम पिगमेंट्स भी डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ यही आप देखेंगे इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, कुछ जो है वो एलजी का जो आप कह सकते हैं फाइला है उनमें वैरायटी मौजूद होती है। उनमें क्या मौजूद होती है, मतलब कि उनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनमें वैरायटी मौजूद होती है, और उस वैरायटी में हमें दो किस्म के पिगमेंट्स और देखे गए। वो दो किस्म के पिगमेंट जो हमें नजर आते हैं वो कौन से हैं, वो जेंथोफिल्स हैं एंड फाइकोरिथ्रिन है। क्या है, जेंथोफिल एंड फाइकोरिथ्रिन। अब जो फाइकोरिथ्रिन है ना, ये हम देखेंगे कि ये रेड एलजी में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये कलर भी रेड देते हैं। तो जेंथोफिल और फाइकोरिथ्रिन भी है, वो भी आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। चलिए जी, बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं एक मिनट की इस पॉइंट का ओवरव्यू दे देती हूँ। वो ये है कि अगर हम एलजी की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यही वजह है कि इनके स्ट्रक्चर में ज़ाहिर है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होंगे जो कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। उन पिगमेंट्स की बात करें तो हमने कहा कि एलजी कि पूरी की पूरी मेंबर में, हमने अभी जनरल बात की कि इनमें कौन कौन से पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, हमने कहा कि इनमें ग्रीन क्लोरोफिल, येलो ऑरेंज कैरोटोनाइड मौजूद होते हैं, उसके अलावा हमने कहा कि इनके इन पिगमेंट्स के अलावा भी कुछ पिगमेंट्स जो हैं वो कुछ मेंबर्स में देखेंगे जो कि जेंथोफिल्स और फाइकोरिथ्रिन है। क्लियर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पिगमेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अगेन इन पिगमेंट्स का काम यही होता है कि फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करके अपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये जो है वो कंटिन्यू कर रहा होता है। क्लासिफिकेशन एलजी की बात करें तो एलजी की जो क्लासिफिकेशन है वो जस्ट बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स है, कि इनकी पिगमेंट्स की वजह से हम उनको क्लासीफाई करेंगे। हम नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ जो है हमें बड़ी ही रेड कलर की अपेयरेंस दे रहे होंगे जिनकी वजह से समुंदर की इवन जो लहरें वो रेड कलर की नजर आ रही होती है, रेड टाइड्स हम आगे पढ़ेंगे। यही वजह है कि इनके कलर की वजह से हमने इनको क्लासिफाई किया, मतलब एलजी में भी डिफरेंट कलर्स होते हैं जिसकी वजह से हमने एलजी को क्लासिफाई किया, और वो जो डिफरेंट कलर्स हैं वो यही पिगमेंट्स की वजह से उनको डिफरेंट कलर्स दे रहे होते हैं जो कि इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम इन कलर्स को या इन पिगमेंट्स को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। मोटिलिटी की बात करें ना तो हम कहते हैं कि एलजी जो है वो मूवेबल है। अब प्लांट्स को तो आपको पता है कि वो मूव नहीं करते, वो मोटाइल नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन अगर हम एलजी की बात करें तो ये मोटाइल हैं, ये मोटिलिटी करते हैं। मोटिलिटी का मतलब होता है कि ये हरकत करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह स्टिल नहीं होते, ठीक है, मूव करते हैं। इसका मतलब कि इनके बॉडी में भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होगा जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। कहते हैं कि अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो एलजी की लाइफ साइकिल में एक्सट्रीम वेरिएशन होती है मोटिलिटी की। अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेरिएशन में हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। कहते हैं कि कुछ मेंबर हैं जैसे फाइलम हम रोडोफाइटा पढ़ेंगे जिसको हम रेड एलजी बोलते हैं। अब उनके अलावा मतलब एक्सेप्ट मेंबर ऑफ रोडोफाइटा या फिर रेड एलजी के पास कोई फाइल आप कह सकते हैं फ्लैजिला मौजूद नहीं होता, उसके अलावा बाकी तमाम ऑल मेंबर्स ऑफ एलजी एक्सेप्ट मेंबर ऑफ फाइलम रोडोफाइटा, मतलब कि फाइलम रोडोफाइटा के मेंबर्स के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं जो कि एलजी की क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, वो तमाम मेंबर्स अपने स्ट्रक्चर में फ्लैजिलम रखते हैं या फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल रखते हैं। उसी फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल की वजह से वो उनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ये वजह है कि रेड एलजी के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी में हम डिस्कस करेंगे, वो तमाम के तमाम मोशन कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, मोटिलिटी शो कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स मौजूद होते हैं, उनके फ्लैजिला मौजूद होते हैं, और ये एटलीस्ट वन स्टेज में तो हमें इनके लाइफ साइकिल में नजर आता ही आता है जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। तो दिस इज इट, आज का लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने जस्ट इनके जनरल करेक्टर्स डिस्कस किए जो कि फोटोसिंथेसिस वाला पॉइंट भी था, फिर हमने इनकी लोकेशन की बात की, हैबिटेट की बात की, हमने कहा मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, फिर हमने इनके स्ट्रक्चर की बात की कि कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर, कुछ फिलामेंट्स हैं। फिलामेंट्स में भी हमने कहा कि कुछ डिस्टिंक्ट सेल हो जिनमें हम कह सकते हैं क्रॉस वॉल्स होती हैं, ठीक है, इस तरह के फिलामेंट्स हैं। कुछ के स्ट्रक्चर ऐसे होता है जो कोइनोसेटिक होता है, मतलब इनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती, जो एसेप्टेट वाला स्ट्रक्चर रखते हैं। फिर हमने कहा कि इनका जो बॉडी, इनका जो स्ट्रक्चर है उसको हम थायरस बोलते हैं, जिनमें ये चीजें मौजूद तो होती हैं लेकिन इनमें
थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये, क्योंकि ये लाइक हैं, ये रूट्स की तरह है, लीव्स की तरह है, नज़र आते हैं, लेकिन ये प्रॉपर रूट्स, लीव्स और स्टेम वाला स्ट्रक्चर ये एल्गी नहीं रखते. क्यों? क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. फिर हमने नेक्स्ट में इनके कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिस्कस किए. हमने कहा कि इनमें ग्रीन है ग्रीन क्लोरोफिल, येलो ऑरेंज कैरेटोनाइड्स, उसके अलावा कुछ मेंबर्स में ज़ैंथोफिल और जो है वो फाइकोरिथ्रिन भी देखे गए एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. उसके अलावा हमने कहा कि इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से हमने इनको क्लासीफाई भी किया, क्योंकि वो कलर अपेयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से हमने इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया एल्जी को. मोटिलिटी की बात की, हमने कहा कि जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जो फाइलम रोडोफाइटा के मेंबर्स हैं ये रेड एल्जी है, उसके अलावा तमाम के तमाम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास आप कह सकते हैं फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स होते हैं या फ्लैजिला मौजूद होते हैं, जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ये एटलीस्ट उनकी लाइफ साइकिल की इस एक स्टेज में तो मोटिलिटी जरूर शो कर रहे होते हैं. सो दिस इज इट. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो. ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़.